हिमाचल में पिछली बरसात के दिए जख्म अभी भरे नहीं हैं। अभी इस बार की बरसात का मौसम आने वाला है। इस बार ये वक्त निकालना लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। ऐसे ही सोलन जिला में कुनिहार नालागढ़ सड़क मार्ग पर गंभर पुल के पास बारिश के रौद्र रूप ने लोगों को डरा दिया है। गंभर पुल के पास सोमवार दोपहर बाद अचानक भारी बारिश हुई। भारी बारिश के चलते एक ढाबे को नुकसान पहुंचा है। बारिश के चलते पहाड़ी से मलबा आने के कारण कुछ वाहनों को भी नुकसान हुआ है। वहीं सड़कें मलबे से भर गई। कुछ जगह लोगों के घरों में पानी भी घुस गया। भारी बारिश के चलते मिट्टी बह गई है। मामले की सूचना मिलने के बाद संबंधित SDM मौके पर पहुंचे। इसमें किसी प्रकार के जानी नुकसान की खबर नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सोलन के कुनिहार क्षेत्र में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। वहीं सोमवार सुबह लाहौल स्पीति और दोपहर बाद सोलन जिला में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। वहीं सोमवार सुबह लाहौल स्पीति में बारिश से अल सुबह मडग्रा नाले में पानी का स्तर बढ़ गया। इसके चलते उदयपुर किलाड़ मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रुक गई। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इसके बाद BRO ने मार्ग को साफ कर उसे बहाल किया। करीब 10 घंटे बाद मार्ग बहाल हो सका। बता दें कि हिमाचल में अभी मानसून ने दस्तक नहीं दी है। ऐसी संभावना है कि 28 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने चंबा और कांगड़ा के कुछ स्थानों पर 28 जून को भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।